अब पूछो मत कि इतने परेशान हो जाते हैं कि रोना आता है। ये बहन मेरे से बात करते करते इनकी आंखों में आंसू आ गए। 1500 हो गई है। ये भी नहीं कि सैलरी बढ़ा दे भाई, 10,000-14,000 है। घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता है। बहुत मुश्किल से, पूरा महीना निकालना मुश्किल हो जाता है। स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो रही है, सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था किया सरकार, अब क्या चाहिए केजरीवाल से? बहुत कुछ किया केजरीवाल जी, MCD में भी केजरीवाल आए। अच्छा, हम तो यही चाहते हैं कि केजरीवाल आए। बीजेपी ने जो कर दिया वो कहाँ करने वाले, आम आदमी पार्टी देख रहे हो, इनके नेता है सारे सब जेल में लौट रहे। क्या माहौल है MCD चुनाव को लेकर? देखा जाए कौन जीतता है, हम क्या बता सकते हैं। अब तो आप बताइए, आपको कौन पसंद है? आपको केजरीवाल पसंद है? केजरीवाल पसंद है भाई। हाँ। हमें सुविधा मिल रहा तो हमें पसंद क्यों नहीं है? क्या क्या सुविधा मिली? बस से आना जाना किराया तो नहीं लगता है ना, लेडीज लोग के लिए सबसे ज्यादा फ्री बस यही है, सबसे बड़ी है, क्योंकि 10 रुपया हम बचता है ना, रोज की 10 रुपया बचती है। अब ये लोग नहीं सोचते, आते जाते हैं, मगर ये सोचते थोड़ी है, बोलते क्या किया केजरीवाल, कुछ नहीं किया भाई, बहुत कुछ कर रहा है। स्कूल में सुधार है, स्कूल में पहले सुधार नहीं थी, स्कूल में बहुत सुधार हो गई, मास्टर ध्यान देने लगे बच्चों पे, बहुत पहले नहीं देते थे, पहले नहीं देते थे, पहले तो मोबाइल पे व्यस्त रहते थे। अच्छा। अब तो बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा। अब तो पहले अब लोग को नहीं दिख रहा है, अपने आप को दिख रहा है, जेंट्स को तो दिखेगा भाई, हमें किराया लग रहा है, लेडीज़ को तो मुफ्त है। MCD में भी केजरीवाल आए। अच्छा जी, चाहिए केजरीवाल आना चाहिए। हाँ जी। क्या अच्छा लगता है केजरीवाल में? केजरीवाल का मतलब बच्चों की पढ़ाई जो हो रही है वो भी अच्छी हो रही है, और हर एक चीज़ की सुविधा बच्चों को मिल रही है। अच्छा, आप बताइए आपको क्या अच्छा लगता है? MCD में मैम वैसे तो ठीक है सब कुछ, पर अभी जो है उसमें गलियों में सफाई नहीं है, नालियों में सफाई नहीं है, नहीं होती है। नहीं जी। तो आप लोग बात करते हैं अधिकारियों से, पार्षद से, कोई सुनने वाला? अभी तक के वो था ईश्वर तवर, हाँ, उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, तो इस बार सोचा है कुछ बदलाव करेंगे। हाँ जी। हाँ, तो किधर की तरफ जा रहा है मन? केजरीवाल जी। बीजेपी के काम से खुश हैं, झाड़ू के काम से खुश हैं? हम लोग केजरीवाल के काम से खुश हैं। अच्छा। क्या अच्छा लगता है केजरीवाल में? बहुत कुछ कर रखे हैं, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, बस का किराया फ्री है, बहुत कुछ फ्री है। तो इन चीजों से फर्क पड़ा है? हाँ जी, बहुत कुछ फर्क पड़ा है। लोग कहते हैं केजरीवाल ने सबको मुफ्तखोर बना दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नहीं, सबको फ्री फ्री बांट के मुफ्तखोर बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी अपनी सोच है। MCD चुनाव आ रहा है, क्या सोचा है, क्या है मन में? क्या सोचूं दीदी, अब तो हमारा वोट जहाँ जाएगा वो कमल पे ही जाएगा, हमारा वोट। क्या अच्छा लगता है कमल पे? क्या अच्छा लगता है? सभी अच्छा लगता है। जैसे? जैसे कि अब हमारे लिए सब लोगों ने किया है तो हम भी उनके साथ करेंगे। क्या किया आपके लिए? हमारे लिए बैठने के लिए घर दिया है, और राशन कार्ड भी बनवा के दिया है, और हर एक तरह से सपोर्ट करते हैं, हमारी हमारे पास ही रहते हैं। तो काम आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, आप बताइए क्या सोचा है मन में MCD चुनाव को लेकर? देखेंगे, डाल देंगे वोट। नहीं, डाल दो वोट तो डालेंगे ही। बीजेपी के काम से खुश हैं या केजरीवाल के काम से खुश हैं? हम सबके काम से ही खुश हैं। अच्छा, तो सबको डाल देंगे वोट? वोट तो एक ही है ना? की है, वो एक ही डलेगा। हाँ, तो एक की क्या सोचा है मन में, तो क्या है? केजरीवाल को डाल देंगे। अच्छा, केजरीवाल में क्या अच्छा लगता है? सभी अच्छा ही है। MCD चुनाव आ रहे हैं, क्या सोचा है मन में? हम तो यही चाहते हैं कि केजरीवाल आए। अच्छा, क्या अच्छा लगता है केजरीवाल? सब कुछ तो कराते हैं केजरीवाल जी। जैसे? बसें फ्री करा रखी हैं, बिजली बिल, पानी का बिल, और क्या, बहुत कुछ करवाते हैं। अच्छा, बीजेपी वाले कहते हैं मुफ्तखोर बना दिया सबको। मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। तो ये फ्री वाले में आपको मतलब आपको लगता है केजरीवाल MCD में, जैसे बीजेपी है पिछले 15 साल से, तो आपको लगता है केजरीवाल आएंगे MCD में? एक बार तो आना चाहिए। MCD चुनाव आ रहे हैं, क्या सोचा है, क्या है मन में? क्या है मन में? बीजेपी वालों ने तो कुछ नहीं किया है। अच्छा। MCD में साफ सफाई नहीं होती, सीवर की साफ सफाई, सड़क की साफ सफाई, ये अभी जब चुनाव आए तब हुआ है। अच्छा। थोड़ी बहुत सफाई करी है, वैसे तो वैसे ही था। बारिश हो जाए ना तो इतना पानी भर जाता है पैरों के ऊपर तक। तो आप लोग बात नहीं करते हैं अधिकारियों से, अपने काउंसलर से, कुछ करते नहीं है? वो होती है पर कोई नहीं सुनता, कोई सुनवाई नहीं है। और MCD में जो बेचारे सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तो सैलरी नहीं टाइम से आती है। अच्छा, और क्या, उनका तो कुछ हुआ ही नहीं है। कोई है परिवार में जो? जी, मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा, MCD में उनकी तो सैलरी कभी दो दो महीने तीन तीन महीने हो जाते हैं, नहीं आती है। और फिर 14-15 साल उन्हें लगे हो गए, परमानेंट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप तो ये बच्चे में मजबूरी में सरकारी पढ़ाने पड़ रहे हैं MCD के स्कूल में। MCD स्कूल में, और क्या। तो कैसी है पढ़ाई स्कूल में? फिलहाल तो ठीक ही है, जैसी होनी चाहिए वैसी तो नहीं है। तो आपने बताया दो दो महीने सैलरी नहीं आती है, आपके हस्बैंड MCD में काम करते हैं, उनको नियमित भी नहीं किया जा रहा है, तो इतनी महंगाई में आप लोग कैसे खर्च चलाते हैं?
खर्च कैसे चलाते हैं, जो थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस होता है वो भी निकल, हाँ वो भी निकल जाता है, फिर उधार उधार ले लेते हैं, वही कर्जा हो जाता है, ऐसे चलाते हैं धीरे धीरे, कुछ कर भी नहीं सकते। और ये भी नहीं है कि हम तो, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, क्योंकि दो बच्चे हैं अपने, जॉब भी नहीं कर सकते। अब पूछो मत कि इतने परेशान हो जाते हैं कि रोना आता है। ये बहन मेरे से बात करते करते इनकी आंखों में आंसू आ गए, और ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली जैसे शहर में भी तब आप खुद कह रहे हैं कि कितने साल से आपके हस्बैंड कोशिश कर रहे हैं लेकिन नियमित नहीं किया जा रहा। जी 15 साल हो गई आज, और सैलरी भी नहीं, ये भी नहीं कि सैलरी बढ़ा दें, वही 10,000-14,000 है फिलहाल। घर का खर्च वो बहुत मुश्किल से चलता है, बहुत मुश्किल से पूरा महीना निकालना मुश्किल हो जाता है। और इस बार तो त्यौहार पे भी नहीं आई है। अच्छा दिवाली में नहीं? नहीं दिवाली पे नहीं आई, दिवाली से पहले आई थी, और अभी अब आई है, अभी 2-4 दिन पहले आई थी। अब देखो अगले कब आती है। तो आपको लगता है कि इस बार कुछ बदलाव किया जाए तो कुछ बेहतर होगा? किया तो जाना चाहिए, लेकिन अब पता नहीं कौन आएगा, कौन करेगा नहीं करेगा, क्या पता। वैसे तो होना चाहिए, जो बेचारे गरीब हैं वो कैसे चलाते हैं, मैं तो घर, अब हमसे भी कुछ पड़े हैं वो कैसे चलाते होंगे, मैं तो खैर चला ही लेती हूँ जैसे तैसे। खैर हमारा तो घर में अशांति भी होती होगी अब घर में? बिल्कुल होती है, जब बच्चे ट्यूशन का उनका नहीं निकलता है, हैं, और घर का खर्च नहीं निकलता है, हम किराए पर रह रहे हैं, किराया नहीं निकलता है टाइम से, मकान मालिक भी बोलते हैं, और जब सैलरी आएगी, जब एक ही बंदा कमाने वाला है तो फिर सैलरी से ही तो जाएगा। सैलरी आ नहीं रही है, दो दो तीन तीन महीने हो जाते हैं, पेंडिंग पे चलती रहती है। पिछले कई महीनों से आंदोलन भी चल रहा है कर्मचारी? बिल्कुल आंदोलन से कुछ नहीं होता, बेचारे आंदोलन पे बैठे ही रहते हैं, कुछ नहीं होता आंदोलन से। तो इस बार आपने सोचा है कि? सोचा क्या है, अगर कोई सही से आ जाता है तो पता नहीं करेंगे कि नहीं, बस। चलिए कोई बात नहीं, आपने कम से कम अपनी बात हमारे बीच रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बातें रखना बहुत ज़रूरी है, कोई आए बदलाव हो ना हो, लेकिन बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की। एमसीडी चुनाव आ रहे हैं, एमसीडी चुनाव क्या सोचा है, क्या है मन में? तो हमें तो पता नहीं जी, बीजेपी, केजरीवाल या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी जी, क्या अच्छा लगता है बीजेपी में? अब इतनी सुरक्षित क्या है यहाँ पे, आप बताइए। हम तो केजरीवाल को चुनेंगे। क्या अच्छा लगता है केजरीवाल? क्योंकि वो स्कूल का काम अच्छे से करे, और स्कूल ठीक किए हैं। अच्छा, और जो कल ये है क्या कहते हैं, बिजली पानी का फ्री करे, और जो हमारी डिस्पेंसरी वो उसको भी ठीक करवाए, मोहल्ला क्लिनिक उसको भी करवाए। आप लोग क्या चलते हैं मोहल्ला क्लिनिक? हाँ जी जाते हैं। फायदा हुआ उससे? हाँ जी, अच्छा बहुत फायदा हुआ। हम तो देंगे केजरीवाल को जी। जैसे एमसीडी में बीजेपी है पिछले 15 साल से, तो इस बार कुछ है कि इस बार बदला जाए कुछ? तो हाँ, अब की बार मुझे लग रहा है ज़्यादातर केजरीवाल जी को जाएगा, झाड़ू पे जाएगा। आप बताइए। हम तो उनको देंगे, जो गेस्ट टीचरों को परमानेंट करेंगे ना उसको चुनेंगे। अच्छा, गेस्ट टीचरों को परमानेंट कर? हाँ, आप गेस्ट टीचर हैं क्या? गेस्ट टीचर हमारे हस्बैंड है। अच्छा, आपके हस्बैंड हैं। तो परमानेंट नहीं करा है? नहीं करा अभी, उन्होंने कई बार ऐसे धरने भी दिए, कई टीचरों ने परमानेंट करते नहीं ना, सैलरी बढ़ाते हैं और यहाँ पे काम सबसे ज्यादा लेते हैं परमानेंट टीचरों को, एमसीडी के स्कूलों में। हाँ, एमसीडी के स्कूलों में गेस्ट टीचरों को सबसे ज्यादा काम देते हैं, उन्हीं से सबसे ज्यादा काम करवाते हैं, और सैलरी कुछ नहीं बढ़ा रहे। अच्छा, तो ये क्या लगता है आपको, जैसे 15 साल से बीजेपी है, आप लोगों ने बात की होगी? नहीं, कह तो देते हैं बढ़ाएंगे सैलरी, परमानेंट करेंगे, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। अब जो करेंगे उसी को देंगे वोट। क्या लगता है कौन करेगा? अभी ये हमें नहीं पता, अभी ये तो। लेकिन आपके लिए गेस्ट टीचर एक मुद्दा है? हाँ, गेस्ट टीचर एक मुद्दा। देखिए अच्छी बात है, ऐसे ऐसे लोग कम टकराते हैं जो खास एक मुद्दे को लेकर वोट कर रहे हैं। इनके हस्बैंड, इनके पति गेस्ट टीचर हैं, और गेस्ट टीचर को परमानेंट करना उनके लिए एक मुद्दा है। एमसीडी चुनाव को लेकर क्या माहौल है? बढ़िया चल रहा है मैडम। बढ़िया किधर की तरफ, किसका बढ़िया? बस बीजेपी ही है। अच्छा, क्या अच्छा लगता है बीजेपी में? बीजेपी में बहुत कुछ अच्छा है। बीजेपी ने जो कर दिया वो कहाँ करने वाले, आम आदमी पार्टी देख रहे हो, इनके नेता है सारे सब जेल में लौट रहे हैं, बेस्ट कर करके, इनमें क्या है? अच्छा, कुछ ना है। अच्छा, हम भी 10 साल हो गए इनको देखते देखते दिल्ली में, 1 रुपये के कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी 10 साल हो गए। बताते हैं फ्री बिजली कर दी, क्या फ्री है हमें, क्या फ्री है? हम तो हर महीने देते हैं 2900 रुपये बिल, हर महीने देते हैं हम चार्ज, ये गाड़ी खड़ी है चार्ज करते हैं 2900 रुपये महीने देते हैं हम, हमें क्या फ्री? हमें कुछ फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है। आज शुरू से लेके आज तक भी बिजली का बिल दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं,
छह आदमी का परिवार पाल रहे हैं, किस तरह पाल रहे हो तो हम जान रहे हैं ना, इस गरीबी में, इस महंगाई में, इस उसमें। तो महंगाई परेशान करती है? नहीं, महंगाई भी परेशान है, पर इतनी महंगाई इतनी नहीं है, उस हिसाब से कमाई भी है, जिस हिसाब से महंगाई उस हिसाब से कमाई कमा रहे हैं जी। लेकिन केजरीवाल के काम 500 कमाते थे, 1000 कमाते हैं, तब 500 का सिलेंडर था, 1000 का है, महंगाई भी इतना वो नहीं है, लेकिन क्या मिल रहा हम लोगों को, क्या मिल रहा ये फ्री 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 करके क्या मिल रहा है, फ्री कुछ नहीं। फ्री वाली राजनीति आपको अच्छी नहीं लगती? बिल्कुल बेकार है, तो बिल्कुल दोस्त है। अच्छा।